अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्पोर्ट्स की नीति हमेशा खिलाड़ियों के विरोध की रही है और कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा दिलाने की रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण रिक्रिएशन कमेटी में आया हुआ है। मणिनगर में नया ही बनाया हुआ स्पोर्ट्स संकुल को 10 साल के लिए पीपीपी मॉडल पर 7 स्टार स्पोर्ट्स कंपनी को दिया जा रहा है। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद के कॉन्ट्रैक्टरों का काफी ध्यान देती है और स्पोर्ट्स को लगते हुए जितने भी मुद्दे हो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसमें विफल रहा है। 4 साल पहले बनाया हुआ रिवर फ्रंट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी उसे अडानी को देने के लिए 4 साल तक बंद रखना पड़ा, फिर उनके खास अडानी को उसको दे दिया गया। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी में से करोड़ों रुपए खर्च कर टेनिस कोर्ट बनाए गए थे, जबकि सबके सब टेनिस कोर्ट कहीं ना कहीं बंद हालत में दिखाई दे रहे। यानी कि एक साफ बताता है कि स्पोर्ट्स की नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी यहां पर काम कर रही है, खिलाड़ियों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों के लिए। ऐसे मणिनगर के स्पोर्ट्स संकुल को 10 साल के लिए देना, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कहीं ना कहीं ऐसे पीपीपी मॉडल के लिए किसी भी कंपनी को 2 या 3 साल के लिए दिया जा सकता है। जब उसका कार्य अच्छा हो तो उसका पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। यदि कोई कंपनी ठीक से कार्य नहीं करती उसको भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता, लेकिन उनको 10 साल के लिए खिलाड़ियों को लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों के लिए पीपीपी मॉडल पर देना, ये चीज का कांग्रेस पार्टी सख्त विरोध करती है।